दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया था रेल मंत्रालय के द्वारा, जिसमें कि कुछ पोस्ट के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की मांग की गई थी और उसमें मेंशन किया गया था कि केवल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट MBBS डॉक्टर्स के द्वारा जारी होना चाहिए। इसको लेकर बहुत से लोगों ने कंप्लेन किया था और उस कंप्लेन की कॉपी जो है NCISM को भी भेजी थी, जिसके संदर्भ में NCISM ने लेटर लिखा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट का डिसीजन का हवाला देते हुए और जो हमारा एक्ट है NCISM एक्ट उसका हवाला देते हुए उन्होंने रेल मंत्रालय को निर्देश दिया है कि आप जो भी आयुष सिस्टम के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनके द्वारा जारी किए गए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को भी आप उतना ही मान्यता दें जितना कि MBBS के लिए। और इसके लिए उन्होंने एक निवेदन भी किया है कि जो नोटिफिकेशन आपने जारी किया है उसमें संशोधन करके पुनः एक नया नोटिफिकेशन आप जारी करें और उसमें इस चीज़ को लिखें कि जो भी फिटनेस सर्टिफिकेट है, चाहे MBBS के द्वारा हो या BMS हो, BUMS हो या BHMS हो, कोई भी डॉक्टर अगर उसको जारी करता है तो वो मान्य हो गया इस पोस्ट के लिए। तो चलिए डिटेल में दिखाते हैं आपको कि लेटर क्या है और उसमें क्या लिखा गया है। तो दोस्तों, यही वो लेटर है जो कि 26 जून 2023 को लिखा गया है सेक्रेटरी जनरल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को, जो सब्जेक्ट यही इसका है कि ग्रीवेंसेस रिसीव्ड थ्रू ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल वाइड रेफरेंस नंबर IUSE 2023-357 इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट विथ रेफरेंस टू सब्जेक्ट मेंशन अबव इट इज इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन NCISM In said grievances, it has been mentioned that Ministry of Railways organizing a short-term training program at nominated training centers at all India level for youth under Rail Kausal Vikas Yojana. तो जो रेल मंत्रालय है, रेल कौशल विकास योजना का कार्यक्रम जो है ऑल इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर। तो स्पष्ट है कि इन्होंने सिर्फ उन्हीं को मांगा है कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट MBBS डॉक्टर के द्वारा जारी किया गया हो। इसके बाद इसमें लिखा गया है जो सेकेंड पैरा है, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट सब सेक्शन सी ऑफ सेक्शन 34 ऑफ NCISM एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा एंड सोवा रिग्पा प्रैक्टिशनर्स आर इंटाइटल्ड टू साइन और ऑथेंटिकेट ए मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट और एनी अदर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाई एनी लॉ। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले तो एक्ट का हवाला दिया है कि हमारे एक्ट में जो NCISM एक्ट उसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि कोई भी प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को साइन कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट लिखा गया, ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ कलकत्ता वेस्ट बंगाल का, यहाँ पे डिटेल केस नंबर भी दिया गया है, 2023 का ही मामला है। इसमें उन्होंने क्लियर कट डिसीजन दिया था कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल बी एंटाइटल टू ग्रांट ए मेडिकल और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ और रूल टू बी साइंड और ऑथेंटिकेटेड बाय ए ड्यूली क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, रजिस्टर्ड है, किसी भी स्ट्रीम का हो, वो फिटनेस सर्टिफिकेट को साइन कर सकता है। फिर उसके बाद उसी का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा है कि देयरफॉर काइंडली रेक्टिफाइड द सेड नोटिफिकेशन एंड कंसीडर द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू बाय आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा एंड सोवा रिग्पा प्रैक्टिशनर्स। तो इसके लिए उन्होंने एक लिखा है कि आप नोटिफिकेशन को जो है थोड़ा सा संशोधन करके उसको जारी करें कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी डॉक्टर के द्वारा साइन करके आएगा, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको मान्यता देंगे।